उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है HTML। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे HTML के ऊपर। आपको HTML से इंट्रोडक्शन कराऊंगा और आप मेरी इस सीरीज़ को लाजमी देखें, क्योंकि अब मैं इस सीरीज़ को न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बेसिक से लेकर उसको आस्ते आस्ते एडवांस से आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगा HTML के ऊपर, फिर वेबसाइट में क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या लाजमी होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको नीड्स होती है, एंड कौन सी स्किल से आप क्या सीख सकते हो, उसका स्कोप कितना है। तो सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप सबलाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ये सबलाइम है। आप ब्रैकेट एक सॉफ्टवेयर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस। तो मैं नोट पैड प्लस प्लस को ओपन करूँगा। नोट प्लस 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 ओपन करने के बाद मैं इधर आके सबसे पहले आप कुछ फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वेबसाइट का फोल्डर बना लेता हूँ वेब के नाम से, या यूट्यूब चैनल वेब के नाम से, यूट्यूब वेब के नाम से मैं एक बना लेता हूँ। इसके बाद एक फोल्डर के अंदर आपको 3 से 4 फोल्डर्स बनाने होंगे। सबसे पहला फोल्डर कौन सा बनाना होगा, CSS का, जिसका फुल फॉर्म है कास्कट स्टाइल शीट। दूसरा आएगा आपके पास IMG, जो शॉर्ट फॉर्म है इमेज का। एंड थर्ड आपके पास फोल्डर बनाना होगा JS, मतलब जावास्क्रिप्ट। इसमें और भी बहुत सारे फोल्डर बनेंगे, मीन्स ऑडियो वीडियो, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हमको तीन तीन चीज़ों को सीखना है, तो मैंने तीन चीज़ों को पहले बनाया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा था हमने ये स्टार्ट किया है नोट पैड प्लस प्लस। तो अब हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी एक बेसिक सी वेबसाइट के लिए। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी नोट पैड प्लस प्लस की। नंबर टू, अब इसकी जगह सबलाइम या वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको लिख ही देता हूँ सबलाइम लाइन, या फिर आप इधर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। ये इन तीन सॉफ्टवेयर में से किसी एक पे प्रोग्रामिंग की जा सकती है और करते हैं लोग। मैंने इनमें से इन तीनों पे प्रोग्रामिंग करी है, लेकिन ज़्यादातर मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ, क्योंकि इस पर ये ज़्यादा ईजी रहता है और इससे आप ज़्यादा स्पीड से आप, अब लिखने में थोड़ा बहुत मेहनत होगी इसमें, पर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़ जाएगी सबसे पहले ये। सेकेंड थिंग ये कि हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर वन HTML, नंबर टू CSS, नंबर थ्री JS मीन्स जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, सही है। इसके आगे मैं इनके भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट HTML मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद CSS का भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ कास्कट स्टाइल शीट, ठीक है। ये तीन चीज़ें, अब इन तीन चीज़ों को बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, मेरा काम ही पढ़ाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि सर अगर हम जावास्क्रिप्ट नहीं सीखें और हम HTML या CSS ही सीख लें, तो क्या हम बेसिक से वेबसाइट बना सकते हैं, हम वेब डिज़ाइनर कहलाएंगे, या वेब डेवलपर की फील्ड में आगे जा सकेंगे हम। तो भाइयों देखो, एक चीज़ बता दूँ, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये जो होता है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका काम होता है एक बॉडी रेडी करना, मीन्स एक स्केच बनाना। अगर मैं उर्दू लैंग्वेज में कहूँ तो एक ढांचा बनाना, इसका काम होता है एक स्केच बनाना, ठीक है। इसके बाद आते हैं CSS के ऊपर। CSS मतलब कास्कर स्टाइल शीट, इसका जो काम होता है वो होता है वेबसाइट को डिज़ाइन देना, वेबसाइट को कलर देना, और वेबसाइट की डिज़ाइनिंग एडिटिंग ये सब करना। इससे हम वेबसाइट का स्केच तैयार करते हैं, इसके ज़रिए हम इसमें कलर देते हैं एंड डिज़ाइन देते हैं, और इससे हम इसमें लॉजिक देते हैं, मीन्स इस बटन में मैंने क्लिक किया तो ये हो जाएगा, उस बटन में मैंने क्लिक किया तो वो हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो वो हो जाएगा। तो इसको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक जावास्क्रिप्ट देती है, स्टाइल आपको जो डिज़ाइन होती है वो CSS देती है, और उसके बाद मेन चीज़ जो होती है, सबसे पहले आपको HTML सीखना लाजमी है। बड़े से बड़ा वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर, उसको HTML तो आती ही होगी, HTML के बाद ही हम ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, डायरेक्ट इन चीज़ों को कभी भी हम नहीं सीख सकते, ठीक है। तो HTML सीखना लाजमी है। इसके बाद आते हैं टॉपिक के ऊपर कि HTML किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है। तो इन तीनों का काम एक ही होता है, वेबसाइट बनाना, बेसिक सी वेबसाइट बनाना। अब इससे पहले मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ छोटी सी वेबसाइट बनाई है जिनमें मैंने जावास्क्रिप्ट का कहीं से भी कोई भी यूज़ नहीं किया है। इससे मैंने यूज़ क्या किया है, एडोब फोटोशॉप यूज़ किया है, अमेजिंग स्लाइडर यूज़ किया है, एडोब फोटोशॉप ये, अमेजिंग स्लाइडर ये, और इसके बाद मैंने इसमें बाकी CSS और HTML से सारा काम किया, बाकी मैंने किसी और प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं किया, ठीक है।
तो इस तरीके की छोटी सी आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब आप किन किन चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्या क्या आपको यूज़ करना पड़ेगा, किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार दोबारा से आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी नोटपैड प्लस प्लस की। इसके बाद आपको ये तीन लैंग्वेजें सीखनी पड़ेंगी, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। इसके बाद आपको एडोब फोटोशॉप चाहिए होगा, इससे हम बहुत सारे कलर्स वगैरह लेते हैं। इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, अमेजिंग स्लाइडर, अमेजिंग स्लाइडर स्लाइडर, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ों की आपको नीड होगी। ये आपको ये तीन चार चीज़ें आपको चलाने भी यूज़ करनी पड़नी चाहिए, और ये तीन सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए, एक दो तीन, और कुछ इमेजेस होनी चाहिए, तो आप एक बेसिक सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल को हम सेव किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको बताया मैंने तीन फोल्डर हमने बनाए थे, तो ये तीन फोल्डर थे जो हमने इसके अंदर बनाए थे, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर हमें काम करना है, तो हम काम किस तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ हैंग हो गया है, तो हाँ अब इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे एक्सक्लूशन डॉक टाइप, जो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, एचटीएमएल। अब ये एक पहचान होती है कि किस आप कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट, मतलब आप कौन सी एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं। एचटीएमएल कौन कौन सी आई हुई है, एचटीएमएल बहुत सारी आई हुई है। लेटेस्ट जो आई है वो एचटीएमएल 6 आई है, बट वो उतनी यूज़ नहीं हो रही, तो हम समझ रहे हैं एचटीएमएल 5। इससे पहले HTML 4 आती थी, पहली HTML आती थी, और बहुत सारी थी, इसमें बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं 1991, मतलब 1991 में इसका पहला HTML आया। इसके बाद से मजीद आते गए आते गए। हम जो यूज़ करें HTML 5 है, HTML 5 2015 में आई है, ठीक है। ऊपर हमें सबसे पहले इसका लाजमी हमें देना है, इसके बगैर काम नहीं होगा। ये हमने दिया। अब एक होता है सिम्बल, एक होता है टैग, एक होता है सिम्बल्स और एक होता है टैग्स, ठीक है। ये होता है टैग्स। अब टैग्स और सिम्बल में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ। ये जो है ना, ये सिंबल है, क्यों, इसमें एक ये सिंबल का निशान आ रहा है, कोई अजीब सा सिंबल आ रहा है, बीच में स्पेस आ रही है। तो जब भी सिंबल्स होता है ना, सिंबल्स क्लोज नहीं होते हैं, जबकि टैग्स होते हैं टैग्स क्लोज होते हैं। देखिए ये एक टैग है, ये एक टैग है, ये भी एक टैग है, इस तरीके से ये भी एक टैग है, ये भी एक टैग है, और कौन सा टैग आपको मैं अप्लाई करके बताऊँ, BRB टैग है और HRB टैग है। अब सिर्फ पूरी HTML दो टैग ऐसे हैं जो ये कभी भी क्लोज नहीं होते, बाकी जितने भी आप टैग ले लें वो सब क्लोज होते हैं, जबकि ये जो होते हैं ना सिंबल्स, वो क्लोज नहीं होते, सही है। तो अब थोड़ा सा आगे काम करता हूँ, पता चल जाएगा जैसे जैसे मैं काम करूँगा। सबसे पहले मैं HTML, क्योंकि मैं HTML वेबसाइट काम कर रहा हूँ, मतलब इस ई प्रोग्रामिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैंने HTML का टैग दे दिया। अब मैं आपको पहले ही कहा था, जब भी हम टैग देते हैं तो टैग को क्लोज भी करते हैं। टैग को क्लोज करने का तरीका है फॉरवर्ड स्लैश एंड वापस वही जो हमने लिखना है HTML एंड ब्रैकेट में। ये चीज़ सेम टू सेम लिखनी होती है, बस इसको लिखने से पहले ही आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, तो ये HTML ओपन भी हो गया और नीचे क्लोज भी हो गया। क्योंकि हमने इसको क्लोज एड में क्यों किया, क्योंकि सारा काम हमको इसके अंदर करना है, मतलब सब HTML प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो सब हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट का मैं नाम देना चाहता हूँ, तो वेबसाइट का नाम मैं लिख दूंगा वेब नेम टाइप टाइप है, ठीक है। इस टैग को भी मैं क्लोज करूँगा, क्योंकि ये पे टैग था तो उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद उधर मैंने गलती करी है, मुझे इधर हेड को भी ओपन करना है, क्योंकि हेड सबसे ऊपर होता है। देखो वेबसाइट डिवाइड होती है तीन हिस्सों पे, के हिस्से पे सबसे पहले एक होता है हेड, सेकेंड होता है बॉडी एंड थर्ड होता है फुटर। अब समझ ही होंगे, अगर थोड़ी सी अगर इंग्लिश आती है तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तीन हिस्सों में ये डिवाइड होता है, तो सबसे पहले हेड, मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा, कि इसकी इसकी मतलब जो नाम है वो शो होना चाहिए किस तरीके से, सब मैं बताता हूँ। उसको मैं सबसे पहले सेव करता हूँ, उस पर जाके राइट क्लिक करें, सेव एज करें, और जो आपने फोल्डर बनाया अब उस फोल्डर पर जाए। डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर बनाया था, ये रहा यूट्यूब वेब के नाम से, इस पर index.html के नाम से सेव करना है। देखिए गोट से मेरी बात सुने, index.html कोई और नाम से आप सेव करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब index.html .html का मतलब तो यही है कि हम HTML पे काम कर रहे हैं इसलिए, पर इंडेक्स का मतलब जो भी फ्रंट पेज वेबसाइट का नज़र आता है ना वो इंडेक्स ही कहलाता है। तो index.html इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस पे जाऊंगा और इसी वेबसाइट को मैं ओपन करूंगा, और इसको मैंने ओपन करके डबल क्लिक कर दिया। देखें वेब नेम टाइप ईयर के नाम से मैंने वेबसाइट बनाई थी, आप इधर अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। ये एक वेबसाइट का मेरा पेज खुल गया, बट मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं, मतलब मैंने उसकी बॉडी नहीं बनाई है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसके अंदर अब मैं जाऊँगा और मैं इसके अंदर बॉडी बनाऊँगा, तो ये बॉडी बॉडी का टैग दे दिया। बॉडी का टैग दिया है तो इसको हमको क्लोज भी करना होता है। क्लोज करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी कोई सवाल है आप कमेंट में कर सकते हैं।
अब देखो ये रेड निशान आ रहा है, ये रेड निशान का मतलब भी कि ये रेड निशान जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसको ये नहीं दूँ तो देखो ये गलत बताएगा कि ये गलत है, ठीक है, तो इस तरीके से पता भी चल जाएगा। अब हेड के अंदर मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ जैसे कि सर मुस्तफ़ा, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, उधर जाके F5 करता हूँ, तो देखो ये नाम लिखा हुआ आ गया। अब ये बहुत छोटा सा आ रहा है, मैं चाहता हूँ उसकी साइज़ बड़ी हो जाए, तो साइज़ बड़ी करने के लिए मैं टैग यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं H1। H1 भी टैग है इसलिए हर टैग को क्लोज भी करना होता है, तो इसलिए मैं इसको भी क्लोज कर लेते हैं H1। अब ये H1 से लेकर H6 तक सारी साइज़ होती है, सबसे बड़ी साइज़ होती है H1, फिर आता है H2, फिर आता है H3, फिर आता है H4, फिर आता है H5, फिर आता है H6, सबसे छोटी साइज़ होती है H6, ठीक है, H6, ठीक है, इन सब टैग को क्लोज करना लाजमी है। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में लिखा हुआ है जबकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी टैग के अंदर मैं इसको क्लोज करने से पहले लिखूँगा अलाइन इक्वल्स टू डबल कोर्स सेंटर एंड डबल कोर्स ब्रैकेट बंद देन कंट्रोल एस एंड F5, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया है कि HTML क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है। अब हाँ, अब आपको कुछ चीज़ और भी बता दूँ, जो HTML जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है डायनामिक, एक होती है स्टेटिक्स। जो स्टेटिक्स होती है ना वो वेबसाइट होती है आप जो ब्राउज पे ओपन करते हैं, जैसे मैं यहीं पे बना रहा हूँ, यहीं पे ओपन करके ऑफलाइन चेक कर रहा हूँ कि भाई सही बन रही है या नहीं। एक होती है जो सर्वर बेस्ड होती है, जैसे अमेजोन जैसी बड़ी वेबसाइट होती है, ये सर्वर बेसिस पे होती है। सर्वर बेसिस पे जो भी आपको वेबसाइट बनानी होती है उसको डायनामिक कहते हैं। तो एक होता है फ्रंट हैंड, एक होता है बैक हैंड डेवलपर। फिलहाल हम इससे जो बनेंगे वो फ्रंट हैंड बनेंगे। फ्रंट हैंड का मतलब ये होता है हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे, ना ही काम कैसे करेगी। काम करने का जो होता है वो हम सीखते हैं MySQL डेटाबेस के जरिए, जिसको हम कहते हैं बैक हैंड डेवलपर। बैक हैंड डेवलपर फिलहाल हम नहीं सीख रहे हैं, HTML CSS एंड JavaScript के जरिए आप फ्रंट हैंड बनेंगे, मतलब कि वेबसाइट दिखेगी कैसे। जैसे ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ दिख रही है, काम नहीं कर रही, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रही है। इस तरीके से आप लोग सिर्फ इस तरीके से दिखने वाले बना सकते हैं, कुछ काम कर भी रही है ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बट फिर भी आप इसको हम फ्रंट हैंड डेवलपर कहते हैं, सही है। और एक होता है बैक हैंड डेवलपर। तो ये आपको मैंने कुछ इंट्रोडक्शन कराया है कि कौन कौन सी वेबसाइट होती है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये तीनों प्रोग्रामिंग किस जगह काम आएंगी, तीनों को एक साथ सीखना लाजमी है। रोज़ इस तरीके से आपको ट्यूटोरियल भेजता रहूँगा, मतलब पोस्ट करता रहूँगा, आप लाजमी देखें, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में कर दें।